तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। ये वीडियो बनाने का मकसद ही वो है कि हमारा जेरोक्स का फोटो फेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रिंटिंग से रिलेटेड एक बिग अपडेट देने वाला हूं और आपका ओपिनियन भी लेने वाला हूं। अगर आपका कोई भी प्रिंटिंग का बिजनेस है, अगर आपके पास CMY के मशीन में CMY के प्रिंट करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, पेम्पलेट प्रिंट करते हैं, विजिटिंग कार्ड प्रिंट करते हैं, एल्बम का वर्क है, स्टूडियो का वर्क है, CMY के मशीन है, जेरोक्स का बिजनेस है, ऑनलाइन शॉप है, या आपका फोटो स्टूडियो है, या आप में कोई भी प्रिंटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। गुजरात में हमारे अहमदाबाद के बाजू में गांधीनगर आता है, जो वहाँ पे हर साल फोटो और वीडियो ट्रेड फेयर 2022 अभी होने वाला है, जो हर साल होता है। ये कोविड की वजह से 1 ईयर 2 ईयर नहीं हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो और फोटो फेयर आपको, आपने कभी भी विजिट किया है तो कहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया है वो मुझे कॉमेंट करके बता देना, और कैसा लगा है वो भी बता देना। दोस्तों, इसे शॉर्ट में हम फोटो फेयर कहते हैं। ये फोटो फेयर में कौन कौन सी चीज़ें होती है, अगर आपका स्टूडियो का वर्क है तो आपको कई सारे वहाँ से सोनी, कैनन, कई ज़्यादा कैमरा आपको दिख जाएंगे। जो नया अपडेट आता है वहाँ आप ये फोटो में भी देख सकते हो। वहाँ वेडिंग जैसा एक पूरा क्रिएशन आपको लगाया हुआ होता है, दूल्हा दुल्हन भी होता है वहाँ पे। आपको कई सारे कैमरा भी मिल जाएंगे, वीडियो कैमरा भी मिल जाएंगे। आप जो भी कैमरा ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो, वो कैमरे का पूरा अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाता है। और प्रिंटिंग की बात करें तो एल्बम के बड़े बड़े प्रिंटिंग जो मशीन होते हैं वहाँ पे होते हैं, CMY के मशीन होता है, वो आपको समझाते हैं इसकी कॉपी कॉस्ट कितनी होती है, इसमें प्रिंटिंग में कितना एरिया प्रिंट होता है, कैसे एल्बम प्रिंट होता है, कैसे पेम्पलेट प्रिंट होता है। अब वेडिंग में आप बड़े बड़े पोस्टर देखते हो, तो पोस्टर किस में प्रिंट होते हैं, वो कैनन की, एप्सन की बड़ी बड़ी मशीन भी वहाँ पे सैंपल के लिए कंपनी वालों ने लगाई हुई होती है कि ये मशीन आप लेना चाहो उसके मशीन में कितनी कॉपी कॉस्ट होती है, वो सारी डिटेल। और आप लेना चाहो तो वहाँ पे बुकिंग भी होती है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्रिंटिंग से रिलेटेड में वो वहाँ मिल जाती है, लेकिन सिर्फ आप लोग को ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर वहाँ पे नहीं मिलता है, ब्लैक एंड वाइट जेरोक्स का सॉल्यूशन वहाँ पे नहीं मिलता है। ओनली फोटो और वीडियो ट्रेड फेयर है, फोटो स्टूडियो से रिलेटेड सारी बात होती है। आपका सब्लिमेशन का वर्क होता है तो सब्लिमेशन इंक, सब्लिमेशन प्रिंटिंग, मग, टी शर्ट वगैरह, उसके लिए सब्लिमेशन पेपर आता है, वो भी आपको सब कुछ मिल जाता है। आप बड़ी बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हो तो वहाँ लाइव कैमरा होता है, जो बड़ी बड़ी जो ट्रिपॉइड जैसा बड़ा बड़ा जो सेटअप होता है वो सारा सेटअप आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा, उसकी प्राइस भी मिल जाएगी। और ड्रोन के बारे में बात करें तो वहाँ ड्रोन भी आपको मिल जाएंगे। ड्रोन के बारे में अगर आपका ID कार्ड का वर्क होता है, हम ID कार्ड के लिए ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं, तो ID कार्ड का भी वर्क आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों, ये हम विजिट करने वाले हैं ये फोटो स्टूडियो फेयर की, शायद संडे को हम विजिट करेंगे, और आपको पूरा इसका जो व्लॉग है वो हमारी व्लॉग की चैनल पे मिल जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक आपको दे देता हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना। अब दोस्तों, ये सारी बात का नॉलेज आपको मिलता है, कौन सा पेपर बेस्ट रहेगा, कौन सी इंक बेस्ट रहेगी, कौन कौन से नए मशीन के अपडेट आए हैं, अगर आपका स्टूडियो का वर्क है, फोटो फ्रेमिंग का वर्क है तो फोटो फ्रेमिंग कहीं ज़्यादा इसमें मिल जाएगी, आपका लेमिनेशन का वर्क है, तो ये सारी डिटेल आपको इसके फोटो स्टूडियो में मिलने वाली है, ये जो फोटो फेयर होता है उसमें मिलने वाली है। इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, रजिस्ट्रेशन आप फोटो फेयर के पहले करते हो तो 100 में मिल जाता है, और वहाँ पे लाइव रजिस्ट्रेशन करते हो तो 200 मिल जाता है। उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अब दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा जेरोक्स का बिजनेस है, अगर आपका प्रिंटिंग का बिजनेस है, तो इसका भी एक फोटो फेयर होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी जेरोक्स मॉडल नए आते हैं, जो भी टोनर होता है, ब्रांडेड टोनर होता है, ब्रांडेड स्पेयर पार्ट होता है, वो अपनी कंपनी और जो भी ये मशीन ब्रांडेड मशीन आता है, कैनन का, एप्सन का, जेरोक्स का, वो अपना मशीन लेके वहाँ आए, और इसकी प्राइस जो फोटो फेयर में जैसा होता है वैसी जेरोक्स की जो फेयर होती है, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जरूर से आपका ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट में बता देना, और आप कहाँ से हो वो भी मुझे वहाँ लिख के बता देना। अगर दोस्तों ऐसी फोटो फेयर होती है वैसी जेरोक्स की फेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बता देना, और आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ये वीडियो बनाने का मकसद ही वो है कि हमारा जेरोक्स का फोटो फेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
जो भी इसका जो नेम है जेरोक्स फेयर वगैरह कोई भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। शायद मैं संडे को विजिट करूंगा तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको व्लॉगिंग चैनल पे व्लॉग जैसे मिल जाएगी, और कोई अच्छी बात होगी टेक्निकल तो हम ये टेक्निकल चैनल पे भी लाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कई वीडियो में। जाने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होते हैं, ऐसे ही नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर दीजिए और व्लॉग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, व्लॉग जल्दी से आने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले के वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।